और महाराष्ट्र के ठाणे की क्राइम ब्रांच यूनिट ने 5 ने 2-2 हजार रुपए के 8 करोड़ के नकली नोट बरामद किए हैं। इस मामले में पुलिस ने पालघर के रहने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं पुलिस ने मामले में केस दर्ज करते हुए आरोपियों के तीसरे साथी की तलाश में जुटी है। संतोष मोरे, मुंबई संवाददाता। बड़ी खबर महाराष्ट्र के ठाणे से, जहां पर क्राइम ब्रांच ने 8 करोड़ की नकली करेंसी बरामद की है। बता दें कि सभी करेंसी 2-2 हजार रुपए के नोट है और इस मामले में पुलिस ने पालघर के रहने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी देंगे मेरे सहयोगी संतोष मोरे, मुंबई से हमारे साथ में जुड़ गए। संतोष, किस प्रकार की कार्रवाई की गई है? मुंबई में थाने के गुने शाखा यूनिट 5 ने ये बड़ी कार्रवाई की है जी। 8 कोटी रुपए के बनावट चलन जी, जो 2 लोगों के पास जो बरामद हुए है। टोटल इन आरोपी में 3 लोग आरोपी है। अभी तक 2 आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है और एक जो आरोपी है उसकी अभी भी फिलहाल में उसको पकड़ने का काम थाने पुलिस की ओर से किया जा रहा है। लगभग 2 हजार रुपए के 400 बंडल इन आरोपियों के पास से बरामद किया गया जी बिल्कुल। लेकिन संतोष, सवाल यह है कि 8 करोड़ की जो नकली करेंसी बरामद की गई है, आरोपी इन करेंसी को लेकर कहां से आ रहे थे और कहां इनकी सप्लाई करने जा रहे थे? जांच में इस प्रकार से कोई बात अधिकारियों के वजह से बताई गई नहीं है। ये नोट कहाँ से आ रहे थे, लेकिन पालघर से इन आरोपियों को अरेस्ट, पालघर के ये 2 आरोपी है उनको, पालघर के रहने वाले है और तीसरा आरोपी की अभी पुलिस की ओर से शोध शुरू है। अभी तक वो कौन आरोपी अभी तक पता चला नहीं है, लेकिन पुलिस की ओर से उनकी जांच चल रही है। और ये जो 2 आरोपी है जिसमें से राम शर्मा और राजेंद्र राउत जो 2 नाम है जी, इनको अभी तक फिलहाल में अरेस्ट किया है और उनकी पुलिस कस्टडी भी मांगने की आज उनको विशेष न्यायालय के सामने पेश करके उनकी पुलिस कस्टडी भी मांगने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन जिस प्रकार से ये जो बढ़ना नोट अवैध जो करेंसी जो बरामद हुई है उसके वजह से थाने शहर में एक हड़कंप मच गया है और लोगों में संभ्रम अभी तक निर्माण है जी बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए संतोष, आपका बहुत शुक्रिया।